तो यार कैसे हो सब। मैं फिर से आ चुका है एक नए वीडियो के साथ। तो अब ये वीडियो में क्या होने वाला है, आप थंबनेल और टाइटल देख कर जान ही चुके होंगे। तो ये वीडियो में हम देखेंगे, इससे पहले रॉयल पास सीज़न 14 का रॉयल पास अपग्रेड करेंगे, उसके बाद क्या क्या रिवॉर्ड्स है वो भी देखेंगे साथ में। पर यार मेरे को पता भी है कि ये वीडियो थोड़ा लेट हो चुका है, आप बोलेंगे कि हफ्ता दिन हो चुका है रॉयल सीज़न 14 को आया और वीडियो अभी डाल रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी यार। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अपने आ चुके हैं, यहाँ पर 600 यूसी और 1800 यूसी दोनों हैं, जो कि 600 यूसी एलाइट अपग्रेड का है और 1800 यूसी वाला एलाइट अपग्रेड प्लस है। तो दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी यहाँ पर हम 600 यूसी वाला एलाइट अपग्रेड रॉयल पास परचेज करेंगे। और भाई यहाँ पर जो एलाइट रॉयल पास का जो अपग्रेड होने का जो यहाँ साउंड है ना, वो कत्ते सुन के क्या मज़ा से ही आ जाता है यार, दिल को सुकून से मिलता है। तो यहाँ पर जो RP1 के अंदर है, यहाँ पर फ्यूचर ऑफ स्टेलेबर का S1897 शॉर्ट गन का यहाँ आपको स्किन देखने को मिल जाएगा। यहाँ रिवॉर्ड्स मिलने अपने को स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ अपने को नाइट कमांडर सेट भी देखने को मिल गया। तो है जो रॉयल पास 1 है, यहाँ पर अपने को सबसे पहले देखने को मिलेगा कि नाइट कमांडर जो ब्लैक कमांडर सेट है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ फ्यूचर ऑफ स्टेलेबर शॉर्ट गन S9897 का शॉर्ट गन का स्किन देखने में काफ़ी सही है। शॉर्ट गन का स्किन और नाइट कमांडर सेट दोनों ही बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो रैंक 5 है, रैंक 5 का जो यहाँ पर एलाइट रॉयल पास का रिवॉर्ड है, वहाँ पर आपको यहाँ रेड कमांडर सेट के यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ रॉयल पास 10 के अंदर जो स्पीड डिमन ऑर्नामेंट है, जो आपके बैकपैक के पीछे लटकते रहता है, वो यहाँ देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इसके ऊपर जो हेलमेट मैचिंग बने हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ जो 15 रिवॉर्ड है, यहाँ पर आपको एक इमोजी मिलेगा। भाई कत्ते चेयर इमोजी है यार, पर ये सिर्फ आप चेयर पार्क में बस यूज कर सकते हैं वो जो इमोजी है उसको। उसके बाद अपन यहाँ पर 20 लेवल में आ जाएंगे। यहाँ पर 20 लेवल में पबजी वाले ने यहाँ फ्री इमोजी दिया है, इमोट। वाह भाई क्या गजब डांस। तो जो रॉयल पास नहीं खरीदते उसका भी पबजी वाले ने इस बार सीजन 14 में ध्यान रखा है और उनको फ्री में ये सब अच्छे अच्छे इमोट भी दिए हैं। उसके बाद अपन आ जाते हैं रॉयल पास के रिवॉर्ड में जो 20 लेवल में है, जो काफ़ी तगड़ा है इस बार का जो हेलमेट है, रोज यूनिकॉर्न हेलमेट। उसके बाद यहाँ पर 25 रैंक में पेन का स्किन देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है कि ड्रॉप द बेस्ट पेन। पेन ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद लेवल 30 में यहाँ आ जाएंगे। उसके लेवल 30 में यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर भी जो फ्री में है जो पैरासूट का स्किन है, जो कि काफ़ी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लग रही है यार। और इस बार रॉयल पास जो है रिवॉर्ड्स वो बहुत ही अच्छे हैं, पर यहाँ पर पबजी वाले ने खास ध्यान रखा है जो रॉयल पास परचेस नहीं करते हैं, जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर जो पैरासूट का स्किन है ये आपको फ्री रॉयल पास में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लाइट रॉयल पास में ये है आयरन रोज सेट का, इसमें जो शाइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा निखर के आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है जो आयरन रोज सेट है। ये आपको लेवल 30 के लाइट रॉयल पास का रिवॉर्ड में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि एजेंट आयरन क्रेट है, फ्यूचर ऑफ स्टेलबर का सेट। यहाँ पर हेड मिल जाएंगे, हेयर लगे हुए, और यहाँ जो डासिया का स्किन है, जो कि डासिया का स्किन अपने को इसमें क्रेट में मिलेंगे, तो जिसका किस्मत चमकेगा यार उसको डासिया का स्किन मिलेगा और वो मज़े उड़ाएगा। ये फ्यूचर ऑफ स्टेलबर का डासिया का स्किन बहुत ही ज़्यादा खट्टी लग रही है, ये जो डासिया की स्किन है।
सामने बोनट में इसमें कुछ फायर वर्क्स का काम किया गया है। ऊपर में जो हेडलाइट्स हैं कलर पिंकिश से लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ के हम लेवल 40 में आ जाएंगे। लेवल 40 में जो है ब्लेजिंग डॉन प्लेन फिनिश के स्किन, भाई साहब प्लेन के स्किन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है भाई। ये जो है ब्लेजिंग डॉन प्लेन का फिनिश, तो ये पहले लेवल 50 में था आई थिंक, पर इसको थोड़ा नीचे करके लेवल 40 में कर दिया है। मुझे कंफर्म नहीं पता कि ये 40 में था 50, पर यहाँ पर तो इसे पबजी वाले ना 40 में दे चुके हैं। तो लेवल 40 के लेट रॉयल पास में आपको देखने का रिवॉर्ड मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है भाई ये स्किन। लेवल 45 में जो कि आपको रॉयल पास अवतार देखने को मिल जाएगा सीज़न 14 का। 45 लेवल में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। उसके बाद भाई साहब यहाँ लेवल 50 में आ जाएंगे अपन। लेवल 15 में आया तो यहाँ पर पबजी वालों के M16A4 से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, इसलिए उन लोगों ने M16A4 का स्किन दिया गया है। सार कुतुब नाम से सार कुतुब स्किन है M16A4 का, जो कि मुझे कुछ ज़्यादा मज़े तो आए नहीं है। आपको कैसे लगे फ्रेंड्स वो आप देख लेना, मुझे कुछ ये ज़्यादा खास नहीं लगा। उसके बाद उसमें एलाइड रॉयल पास में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ड्रॉप द बेस्ट ग्रेनेड ग्रेनेडिंग स्किन, मुझे काफ़ी पसंद आया। जैसे पिछले वीडियो में जो मैंने रिवॉर्ड्स लिख्स बताए थे, वो भी मैंने ग्रेनेड को बोला था कि ग्रेनेड का स्किन भारी काफ़ी मज़ेदार है। उसके बाद यहाँ नॉटी मुझे मिल जाएगा, और ये जो है ये भी बहुत अच्छा है, पर यह भी सिर्फ आप चेयर पार्क में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ लिखा है कि चेयर पार्क ओनली यूज़। उसके बाद यहाँ जो लेवल 55 है उसमें रॉयल पास अवतार फ्रेम सीजन 14 का अवतार फ्रेम देखने को मिल जाएगा, जो कि हर बार की तरह सेम है, बस इसमें जो 14 है इसका जो फ्रेम हुई स्टाइल थोड़ा दूसरा है। उसके बाद गाइस यहाँ लेवल 70 का जो है रॉयल पास का रिवॉर्ड, वो बैक पैक है फायर फाइटर बैक पैक, बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है मेरे को पर्सनली। ये बैक पैक बहुत ही ज़्यादा हर सीज़न से मुझे जो है ये बैक पैक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, फायर फाइटर बैक पैक जो लुक है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इसकी। उसके बाद लेवल 75 का जो रिवॉर्ड है वो एवियन टैरेंट अवतार है सीजन 14 का। उसके बाद ये जो लेवल 80 है, यहाँ पर भाई साहब जिसका हम सबको इंतजार था, हम सबका प्यारा एक लौता दुलारा M416 का स्किन, गन का स्किन, जिसका नाम है एवियन टैरेंट M416, बहुत पसंद आया ये जो स्किन है। मुझे क्या ये स्किन सभी को पसंद आएगा, M416 का जो स्किन है और देखने में ये जो सीजन में जो कलर यूज़ किया गया है, मेरे हिसाब से वो कलर को ही M416 के गन के स्किन में डाला गया है। उसके बाद गाइस यहाँ पर लास्ट में RP लेवल 100 के अंदर एवियन टैरेंट का पूरा सेट देखने को मिल जाएगा, हेयर स्टाइल मास्क और M4 स्किन का जो 16 का स्किन है बैक पैक, वो पूरा आप देख सकते हैं कि लेवल 100 में आप पहुँचेंगे जो आप रिवॉर्ड यहाँ पर डायरेक्ट पूरा सेट लगा सकते हैं। आपका करेक्टर कुछ इस तरह से टापर तोड़ दिखेगा, करेक्टर क्या छा जाएगा इस तरह से आप उसे सेट पहनाएंगे पूरा का पूरा। तो मार्क्स या स्टाइल आउटफिट M416 का स्किन पूरा कंप्लीट सेट है एवियन टैरेंट का। अब कुछ भी बोलोगे इस बार का जो है ना रिवॉर्ड्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यार, बाकी जितने भी आप सीज़न देखेंगे उससे एक दो सीज़न से मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही यार, जो अच्छे लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना और मन करे चैनल सब्सक्राइब कर देना।